हेलो दोस्तों, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोग को पांच ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिससे आपकी वेबसाइट पर कभी भी गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं मिले। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च मारना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए लिंक पर क्लिक करें, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स 75 सर्च करें। सबसे टॉप वाले देख सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स 75.in भी सर्च करते तो भी डायरेक्ट आ जाता है। बस यहाँ पे स्वाइप करना है नीचे। यहाँ देख सकते हैं टॉप 5 रीजन जिससे वेबसाइट पर गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं मिलता। इस पर क्लिक करें। देखिए यहाँ से स्टार्ट है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो पढ़ के भी समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे आपको समझने में अच्छा लगे वैसे करें। अब मैं वीडियो के हिसाब से बता दे रहा हूँ आप लोग। सबसे पहला है डिजाइनिंग वेबसाइट। वेबसाइट को डिजाइन करना, आप वेबसाइट कैसा दिख रहा है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको एक बार करके कैसे आपको डिजाइन करना है, फिर इसी साइड पे मैं जा रहा हूँ। नेट थोड़ा स्लो है तो बहुत स्लो नेट चल रहा है। मैं इसी पे आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं, इसको मैं डेस्कटॉप पे करके देख पा रहा हूँ। आर्टिकल के पीछे नीचे जाना है। ये डिजाइनिंग ऐसे इस तरह से आपको डिजाइन करना है। जैसे कि ये दिख गया, ये सोशल मीडिया आइकन टोटल रहना चाहिए आपको जो जो चाहिए। नीचे देख सकते हैं ऐसे इस तरह से आपको अपने वेबसाइट को सजाना है। मतलब कि इस तरह से सजाते हैं आपको तो आपको बहुत जल्दी गूगल एडसन का अप्रूवल मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को बताना है कि इसको डेस्कटॉप से कर दे रहा हूँ अपने फ़ोन पे। सेकंड आते हैं, देखिए एसईओ फ्रेंडली थीम होता क्या है। एसईओ फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा लोग की एक थीम अच्छा लगा उसको डाउनलोड कर लेते हैं और अपने वेबसाइट पे लगा देते हैं। और ये नहीं देखते कि कितना जावा स्क्रिप्ट CSS फाइल ज़्यादा उनका लोड स्पीड बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। लोड स्पीड जितना अच्छा रहेगा ना, जितना फास्ट आपका साइट ओपन होगा उतना ही जल्दी आपका वेबसाइट रैंक करेगा। तो आप कभी भी थीम अपने वेबसाइट पर लगाएं तो उसके लिए आप एसईओ फ्रेंडली ही थीम ले रहे। ये मेरी इस थीम में भी एसईओ फ्रेंडली थीम है मेरा, आप देख सकते हैं। इसमें भी बढ़िया तुरंत मेरा साइट खुल जाता है। कुछ एक मिनट से भी कम समय लगता है खुलने में, ओपन होने में तुरंत खुल जाता है। तो इस तरह का आपको भी चाहिए थीम चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। थीम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर थीम पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे टॉप 5 थीम दिया है, वो भी AMP थीम। फ्री में AMP का पैसा देना पड़ता है। बाकी ये जो पांच फ्री थीम दिए गए ये AMP है और फ्री भी है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इस पर पहले से मैं इस वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। सेकेंड आते हैं, थर्ड सेकेंड तो वही है। देखिए
प्रोफेशनल प्रोफेशनल पेज, वेबसाइट का प्रोफेशनल पेज पेज क्या होता है ये मैं बता दूँगा। पेज देखते हैं, ये मतलब मेरा आर्टिकल है, ये देखिए होम पेज अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन साइट में, ये छोड़ दीजिए। ये देखिए आपका जियो दिया है ना पाँच, वही पेज इसी को पेज कहते हैं। जैसे कि अबाउट अस पे क्लिक, प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया, ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, इसी को पेज कहते हैं। इसी टाइप से आपका भी बनेगा। बनाने के लिए आपको आपको जैसे कि ना था ना किसी के बायोग्राफी जानना है, किसी कौन कैसा सोचता है, ये अबाउट अस में आप डाल सकते हैं आप इसे, या जनरेट करना चाहते हैं आप जनरेट किया डायरेक्ट क्रिएट किया हुआ लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऊपर चलेंगे आधे रंग कहाँ करना। ये देखिए पेज बनाने का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर खोल रहा है। देखिए खुल गया, यहाँ पे देखिए अबाउट अस का दिया गया अबाउट अस पेज जनरेटर लिंक जनरेट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पे अपना नाम और एड्रेस डालेंगे, डायरेक्ट आपको अबाउट अस जनरेट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पासवर्ड दिया अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस डिस्प्ले और प्राइवेसी पॉलिसी, ये चार पेज आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं। बस यहाँ से पेज भी बना लेते हैं, आपको और किसी साइट पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसी एक ही आर्टिकल पूरा बना लेंगे। अब थर्ड भी हो गया। अब देखते हैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। ये एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है मतलब कि आपको आर्टिकल का एसईओ कैसे किया जाता है इसके बारे में। तो एसईओ उसके उस एसईओ पर भी मेरा एक वीडियो बन चुका है, उसे आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको भी एसईओ मोबाइल एसईओ क्या है देख सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का फुल फॉर्म है। अब इस पर क्लिक करें, एसईओ पूरी डिटेल्स आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी। यहाँ पे दिया है देखिए ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ भी दिया है, ऑफ पेज एसईओ भी दिया है। बस आप यहीं से सब चीज़ कर ले सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। मैं अलग से इसके वीडियो बनाया उसको देख सकते हो, मेरे प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा आपको वीडियो। और आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अब इसके बाद देख लेते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो हर लोग सबसे पहले आप सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। वेबसाइट नीस, वेबसाइट नीस में आप देख सकते हैं, वेबसाइट नीस का मतलब वेबसाइट नीस में कुछ बताया गया। वेबसाइट नीस आपको खुद ही चॉइस करना आपके अपनी वेबसाइट किस टाइप पे है। जैसे कि आप स्कूल में किसी के स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे आप पूछा जाता है आपसे आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है मतलब जिसमें आपको नॉलेज है वही सब्जेक्ट लेते हैं। इसी टाइप से इसमें भी आपको ऑप्शन दिया नहीं जाएगा, वो आपको खुद ही सिलेक्ट करना होगा कि किस टाइप से मैं आर्टिकल लिखूँगा कि मेरा रैंक करे, आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके बारे में आप नीस उसी कहते हैं। तो आप नीस के लिए अपना जो चीज़ मेरा टैग से रिलेटेड है, तभी मैं अलग से ब्लॉगर वेबसाइट या यूट्यूब पर भी काम करता हूँ, तो ब्लॉगर वेबसाइट पर काम करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर कोई भी आर्टिकल मैं इसी पर डालता रहता हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा तो मैं जैसे मैं अपने सोच के हिसाब से आपको बता दी हूँ, अब आपका जैसा मन हो ऐसा करें। बस देख सकते हैं आप टॉप फाइव रीजन, इन टॉप फाइव रीजन को आप सॉल्व कर लेना तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। बस इस वीडियो में इतना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।